अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम इंसर्ट के रिबन में मौजूद टेक्स्ट के टैब में कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट के जो टैब है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप अपने एक्सेल की शीट में कहीं भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक साइन शो हो रहा है, इसको आप सिंपल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके जब आपको इस तरह से एरो शो हो जाए तो आप अपनी मर्जी से जहां चाहे उसको इजिली ड्रैग कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। और अगर आप इस बॉक्स को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप वो भी की हेल्प से इजिली कर सकते हैं। और अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, देन इस साइन को मूव करते जाए तो आप इजिली अपने टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं। जिस फॉर्म में आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं आप इजिली कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं बॉक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर और फुटर का, कि अगर आप अपनी एक्सेल की शीट पर टॉप पर हेडर या बॉटम में फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप इस ऑप्शन हेडर और फुटर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक बार शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो पेज है वो इस फॉर्म में शो होगा जहां पर आपको हेडर की ऑप्शन शो हो रही है। अगर आप हेडर में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर मौजूद हेडर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर कुछ भी हेडर में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप पेज के फुटर पे कुछ ऐड करना चाहते हैं देन आप यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करना चाहते हैं लाइक पेज नंबर या कुछ भी, अगर आप डेट वगैरह कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। हेडर में यहाँ पर आपको तीन बॉक्सेस शो हो रहे हैं जिसमें आप तीन बॉक्सेस में कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों बॉक्सेस को यूज करना चाहते हैं तो तीनों यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक या दो को ही यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट पर हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर और फुटर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मजीद ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो हेडर है जहां पर आप क्लिक करेंगे चाहे वो हेडर है या फुटर, आपका जो पेज नंबर है वहां पर शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेजेस भी शो हो रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस भी टाइप कर सकते हैं जितने भी आप टाइप करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट डेट शो हो रही है, आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट दे सकते हैं, करंट टाइम दे सकते हैं। सिंपल आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो हेडर है या फुटर, जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने हेडर या फुटर में कहीं भी फाइल का पाथ देना चाहते हैं, उसकी लोकेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऑप्शन की हेल्प से दे सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइल का नेम देना चाहते हैं टॉप पर तो आप यहाँ पर फाइल का नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ शीट नेम। शीट नेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इस शीट को कोई भी नेम दे सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, आप यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आप हेडर या फुटर में कोई लोगो लगाना चाहते हैं अपनी शीट पर या कोई भी पिक्चर अटैच करना चाहते हैं तो सिंपल आप पिक्चर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप गूगल से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ऑनलाइन होना होगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑप्शन शो हो जाएगी और यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के गूगल से और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पिक ले सकते हैं और यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ही काम करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ पर वर्क ऑफलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर इजे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको वो शो हो रही है वो है गो टू फुटर। अगर आप हेडर पर हैं और फुटर पे मूव करना चाहते हैं तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप फुटर पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप दोबारा हेडर पे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर गो टू हेडर की ऑप्शन अब आपको शो हो जाएगी, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप अपने हेडर पे मूव कर जाएंगे। हेडर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट का। अगर आप यहाँ पर अपनी एक्सेल की शीट पर कोई भी आर्ट में टाइप करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बॉक्स हो जाएगा और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्मार्ट आर्ट पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
सिंपल आप इसको रिमूव कर दें और यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। तो वो आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई किया है वही यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की जो शेप्स हैं वो शो हो रही हैं, जो उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग है यहाँ पर आपको शो हो रही है। अगर आप ये स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और इससे रिलेटेड सिंपल ऑप्शन जो हम पहले भी बहुत से लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, शेप फिल का, शेप आउटलाइन का, शेप इफेक्ट्स का, यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिग्नेचर लाइन का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्मॉल विंडो शो हो जाएगी। सिग्नेचर लाइन को आप यूज करते हैं कि कोई भी फाइल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं और वहां पर आपको सिग्नेचर लाइन की जरूरत महसूस होती है अपने डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन के लिए तो आप उसके फ्रंट पेज पर समटाइम्स सिग्नेचर लाइन अटैच कर देते हैं, वहां पर सिग्नेचर लाइन ड्रा करते हैं। तो अगर आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी एक्सेल की शीट पर कोई भी सिग्नेचर लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर फर्स्ट बार में टाइप करेंगे सजेस्ट साइनर, यहाँ पर आप साइनर का नेम लिखेंगे, देन बार में आप सिग्नेचर टाइटल बताएंगे कि आप क्या हैं, आपका क्या, किस ओहदे पर आप फाइल्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वो। आप अपनी ईमेल अटैच करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर ईमेल भी अटैच कर सकते हैं, देन आप ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर लाइन शो हो रही है, आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, जहां पर आप इसको लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं, और अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सो सिग्नेचर लाइन हमारे लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सी असाइनमेंट्स में बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट का। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट पर कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आप जो ऑब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते थे, अटैच करना चाहते थे एक्सेल की शीट पर, वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी एक्सेल शीट पर कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वेशन का। अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में किसी भी इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरह की आपको ऑप्शन दी जा रही है जिसमें आपको डिफरेंट तरह की जो इक्वेशन है, थ्योरम्स है, वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पे भी क्लिक करके कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंबल। अगर आप अपनी एक्सेल शीट पर कोई भी सिंबल अटैच करना चाहते हैं, कोई भी सिंबल लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिकल कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पर और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एरो लगाना चाहते हैं या आप कोई भी सम का साइन या कुछ भी रजिस्ट्रेशन का साइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के साइंस अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप किसी करेंसी का सिंबल देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कुछ ऑप्शन जिन्हें हमने डिस्कस किया। सो इन ऑप्शन की हेल्प से आप हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी स्मार्ट आर्ट, अगर आप सिग्नेचर लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिंबल्स और इक्वेशन के भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।